WWE एक बहुत ही अजीब जगह है। अगर कंपनी को आपसे कोई परेशानी है तो हो सकता है कि वो आपको लाइव टीवी पर सजा दे, और ऐसा ही लाना के साथ भी हुआ। 2015 में द रैविशिंग रशियन ने असल जिंदगी में रूसेफ से एंगेजमेंट कर ली। उन्होंने इसकी तस्वीरें प्राइवेटली अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा की, क्योंकि उस समय की स्टोरी लाइन में लाना और रूसेफ ने ब्रेकअप कर लिया था और दुश्मन थे, लेकिन किसी ने ये तस्वीरें लीक कर दी और उनकी एंगेजमेंट के बारे में सबको पता चल गया। WWE बहुत नाराज था और लाना को इन सब का कसूरवार ठहराया। मौका मिलते ही WWE ने द रैविशिंग रशियन को सबके सामने सजा देने का फैसला किया। जनवरी 2016 में द रॉक ने WWE में वापसी की। वो बैकस्टेज में लाना से टकराए और उन्हें स्लट शेम किया। The last time you and I together, we were in Brooklyn on Monday Night Raw. It was me, you, Rusev. Remember that? That was an amazing night. And then remember, you came to my hotel room and surprised me that night. Yeah, that was crazy. Remember that? And you told me you didn't want to be with Rusev anymore. You said he was big, he was hairy, he smelled like rotten testicles. And I'm like, okay, well, let's just talk. Remember that? And then you bought out the wine and we got drunk and we did those special exercises. Hey, we were just talking about you, kinda. We're actually engaged to be married. You got a hell of a woman here. She's flexible as all hell. Whoa, I mean, it's amazing. ये एक पीजी शो के लिए बहुत ही अजीब था, लेकिन WWE ने लाना को सजा देने के लिए ऐसा किया। 2017 में पता चला कि साशा बैंक्स और एलेक्सा ब्लिज एक दूसरे को पसंद नहीं करती हैं। जैसे कि कहानी में पता चला, बैंक्स को ब्लिज इसलिए नापसंद थी क्योंकि एलेक्सा ने ड्यूज भी नहीं भरे थे और उन्हें इंडिपेंडेंट सर्किट में ट्रेनिंग या रेसलिंग में समय बिताए बिना ही WWE कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया था। लेकिन इससे भी बड़ी वजह ये थी कि साशा को लगता था कि एलेक्सा रेसलिंग की इज्जत नहीं करती हैं। इसकी वजह से साशा अपने कैरेक्टर से बाहर आई जब उन्होंने ऑन एयर ब्लिस पर निशाना साधा। Yeah, I mean, we do have people like Alexa Bliss that maybe she hasn't been a fan her entire life, but I don't think anyone could knock her for putting in work, right? Well, what work, Renee? But has she not put in any work? Look, you don't have to come from the Indies to be here, but you do have to respect it. And you don't need to lie your way saying, oh my God, I love this company. Girl, you don't need to lie, just be yourself. And maybe if she was herself, maybe I would like her. चाहे ये सिर्फ इस कमेंट की वजह से था या किसी और बैकस्टेज इंसिडेंट की वजह से, नहीं पता। लेकिन WWE ने द बॉस को सजा देने का फैसला किया। समर स्लैम 2017 में साशा ने आखिरकार एलेक्सा ब्लिस को हरा कर रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप जीता, लेकिन जीत के सिर्फ 8 दिन बाद बैंक्स फिर से एलेक्सा को टाइटल हार बैठी। वो साशा का पहला टाइटल डिफेंस मैच था। ये WWE का साशा को बताने का तरीका था कि असली बॉस कौन है। ये सजा बहुत बेवकूफी भरी थी। 2013 में बताया गया कि स्टेफनी मैकमैन बैकस्टेज में बात कर रही थी और कैटलिन ने उन्हें टोक दिया। स्टेफनी इस बात से नाराज हो गई और उन्होंने कैटलिन को उनकी जगह दिखाने का फैसला किया। रॉ के एक लाइव एपिसोड के दौरान स्टेफनी मैकमैन ने डिवास चैंपियन AJ ली को कॉन्फ्रंट किया, लेकिन कैटलिन ने उन्हें फिर से टोक दिया। फिर स्टेफनी ने कुछ ऐसा कहा। Listen, Caitlin, I'm going to give you a bye because of everything that you've been through the past couple weeks, but do not ever interrupt me again. इसने कहानी में कुछ नया बदलाव नहीं किया, लेकिन इससे बस कैटलिन बुरी बन गई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप रेसलर हैं या नहीं। अगर WWE को लगता है कि आपने गड़बड़ की है, फिर तो आपको सजा मिलेगी ही। हम बात कर रहे हैं लिलियन गार्सिया की। रिंग अनाउंसर 2004 के WWE के यूरोपियन टूर का हिस्सा थी। उन्होंने बहुत पार्टी कर ली और देर तक सो गईं और शो के लिए अपनी राइड मिस कर दी। WWE ने इसे प्रोफेशनली संभालने का फैसला किया। लिलियन गार्सिया ने रॉ में क्रिस्टी हेमी और कार्मेला के बीच एक सेगमेंट होस्ट किया था। नहीं, ये कार्मेला नहीं, दोनों महिलाएं टैबू ट्यूसडे में अपने मैच की तैयारी कर रही थी। क्रिस्टी ने कहा था कि वो जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, और ये साबित करने के लिए उन्होंने लिलियन गार्सिया को किस भी किया। मुझे पूरा भरोसा है कि लिलियन गार्सिया का सच्चा कैथलिक होने का WWE की इस सजा से कोई रिश्ता नहीं है। 1985 में WWE की वुमेन्स चैंपियन वेंडी रिचर थी। उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला था और रिचर को और पैसे चाहिए थे, लेकिन WWE नहीं मान रहा था और दोनों ही अपने बात पर अड़े रहे। WWE ने फिर बात को अपने हाथ में लेने का फैसला किया। शो में वेंडी रिचर को स्पाइडर लेडी नाम की एक मास्क रेसलर के खिलाफ अपना टाइटल डिफेंड करना था। मैच के दौरान स्पाइडर ने एक स्मॉल पैकेज दिया और वेंडी के किकआउट करने के बाद भी रेफरी ने पिन काउंट कर लिया और स्पाइडर लेडी को चैंपियनशिप जिता दी। बिल्कुल वैसा एक दशक के बाद 1997 में ब्रेट हार्ट के साथ हुआ। WWE ने वेंडी रिचर को धोखा देकर उनसे उनका टाइटल छीन लिया। रिचर को भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ उनके साथ होने वाला है। इसकी वजह से उन्होंने वापस कभी WWE के लिए रेसल नहीं किया। ट्रिश स्ट्राटस एक WWE आइकन होंगी, लेकिन वो भी सजा से नहीं बच सकी। 2002 में WWE उनसे एक सेगमेंट करवाना चाहता था जहां उस समय वुमेन्स चैंपियन ट्रिश को टोरी विल्सन को किस करना था। स्ट्राटस को लगा कि ये उनके कैरेक्टर के लिए सही नहीं है और उन्होंने मना कर दिया, लेकिन WWE को ये अच्छा नहीं लगा और उन्होंने अगले हफ्ते ट्रिश के खिलाफ जैस को ट्रिश का वुमेन्स टाइटल जितवा दिया। इसे और भी बुरा बनाने के लिए रेसलमेनिया बस कुछ ही हफ्ते दूर था और वो भी टोरंटो में।
ना ही सिर्फ ट्रिश को चैंपियन के रूप में एंट्री लेने का मौका नहीं मिला, बल्कि वो शो पर वुमेन्स टाइटल वापस भी नहीं जीत सकी। भले ही ये उनका होम टाउन क्यों ना था, जबकि ये बुरा था, लेकिन जैसा बर्ताव WWE ने लीटा के साथ किया उसके आगे ये कुछ भी नहीं था। लीटा का 2023 में WWE के लिए रेसलिंग करना चौंकाने वाली बात है, क्योंकि कंपनी उनसे सच में नफरत करती है। शायद ये थोड़ा ड्रामेटिक था, लेकिन WWE ने लीटा को कुछ इस तरह सजा दी और बेइज्जती किया। फरवरी 2001 में लीटा डीन मेलेंको से लड़ रही थी, जब मैट हार्डी लीटा को चेयर की चोट से बचाने के लिए दौड़े। मैच के बाद दोनों ने किस किया और WWE चाहती थी कि वो उस हफ्ते स्मैकडाउन पर फिर से ऐसा करें। लेकिन लीटा को ऐसा लग रहा था कि उनका मैट को इतनी जल्दी फिर से किस करना पहले किस का इम्पैक्ट कम कर देगा, और उन्होंने मना कर दिया। WWE इस बात पे नाराज हो गई और उन्होंने लीटा को सजा देने का फैसला किया। जेफ हार्डी रिकिशी के साथ मैच लड़ रहे थे और लीटा जेफ की तरफ थी, रिकिशी जीत गए। और ये यही नहीं रुका, 2006 में लीटा ने रिटायर होने का फैसला लिया। हालांकि ट्रिश ने अभी कुछ ही महीने पहले खेलना छोड़ा था और दो सबसे बेहतरीन फीमेल रेसलर्स को एक साथ खोना WWE को पागल कर रहा था। बदकिस्मती से उन्होंने अपनी सारी भड़ास लीटा पे निकाली। अपने रिटायरमेंट मैच में लीटा ने मिकी जेम्स के खिलाफ वुमेन्स चैंपियनशिप को सर्वाइवर सीरीज में डिफेंड किया। लीटा हार गई, लेकिन सबसे बुरी चीज इसके बाद हुई। क्राइम टाइम लीटा की पर्सनल चीजें लेकर बाहर आए और उसे एक होलसेल कहकर भीड़ में नीलाम करने लगे। ये बहुत ही शर्मिंदगी भरा था, खास करके अगर इसकी तुलना ट्रिश स्टार्टस के रिटायरमेंट मैच के साथ की जाए तो। ट्रिश ने ना ही सिर्फ अपना मैच जीता बल्कि वुमेन्स चैंपियनशिप भी जीती, और वो भी अपने होम टाउन में। जैसे कि मैंने कहा, WWE सच में लीटा से नफरत करता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगली सजा सबसे खराब है। 1990 में WWE की सबसे बड़ी फीमेल स्टार्स में से एक सनी थी, लेकिन उन्हें बैक स्टेज में ज्यादा रेसलर्स पसंद नहीं करते थे। सनी से नफरत करने की कुछ वजह भी थी, लेकिन सबसे बड़ी वजह ये बताई जाती है कि उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड क्रिस कैंडिडो को शॉन माइकल के लिए धोखा दिया था। इस वजह से जब ओरिजिनल डीवा को सजा देने का एक मौका मिला तो लॉकर रूम ने बहुत ही उत्सुकता से इसका फायदा उठाया। एक स्टोरी लाइन के दौरान सनी ने गॉडविंस नाम की एक टैग टीम को धोखा दिया जिसे वो संभाल रही थी, और स्मोकिंग गन्स में शामिल हो गई। द गॉडविंस ने अपना बदला लेने के लिए सनी पर बाल्टी भर स्लॉप डाल दिया। इस सजा का सबसे बुरा होने की वजह ये थी, शो शुरू होने से पहले बाल्टी को लॉकर रूम में रखा गया था और जो भी सनी से नफरत करता है उन्हें अपना बॉडी फ्लूइड उस बाल्टी में डालना था। जी हाँ, ये बहुत ही घिनौना था। क्या आप WWE में हुए अभी तक के सबसे अच्छे मैचेस को देखना चाहते हैं? तो स्क्रीन पर आए वीडियो को देखें।